हम लोग जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में वर्तमान में विधायक हैं, वहाँ के सदस्य हैं। लेकिन जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की जो कार्यकारिणी है उसमें भी हम लोगों को बुलाया नहीं जाता या हटा दिया गया, जैसे हम लोगों ने समाचार पत्रों में देखा। और चूंकि सामने विधानसभा सत्र है और हम लोगों ने अजीत जोगी जी को देखकर इस पार्टी के सिद्धांत विचारधारा को लेकर राजनीति शुरुआत की थी। लेकिन अजीत जोगी जी के नहीं रहने के बाद, उनके दुखद देहांत के बाद, लगातार इस बात को हम लोग महसूस कर रहे हैं कि जो वर्तमान प्रदेश का नेतृत्व है इस पार्टी का, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी बनने की कोशिश कर रहा है। और प्रमोद शर्मा जी और हम लोगों ने मरवाही के चुनाव में देखा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन जारी हुआ। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अजीत जोगी जी ने जो एक संकल्प पत्र लाया था, जिन बातों का संकल्प पत्र में उल्लेख था, जो कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का मूल मंत्र था, उन संकल्प पत्र की बातों को योगी जी के रहते ही भूपेश बघेल ने क्रियान्वयन चालू कर दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के हित में बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया लोगों की सरकार है, छत्तीसगढ़ के बारे में चर्चा हो रही है। तो यही मूल मंत्र अजीत जोगी जी का था। और यदि भूपेश बघेल जी और वर्तमान सरकार इस बात को प्रयास कर रही, तो निश्चित रूप से उनको समर्थन देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी की भी पार्टी बन गए। तो हमने और प्रमोद शर्मा जी ने इसका विरोध भी किया है और इसी कारण पार्टी के सभी फोरम से हम लोगों को हटा दिया गया है। और शायद ये भी कहते हैं कि हम लोग पार्टी में है भी नहीं। तो हम लोगों ने इसमें सोचा कि हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए। संवैधानिक रूप से क्योंकि जनता ने निर्वाचित किया है, हम लोग जनता के हित में कार्य कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में। और प्रमोद शर्मा जी दिल्ली गए थे, केंद्रीय निर्वाचन आयोग से मिले, और निर्वाचन आयोग ने उन्होंने स्पष्ट कहा कि चूंकि अभी ऐसे हाल में ही लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी का भी हुआ, जिसमें रामविलास पासवान के ख़त्म होने के बाद उनके बेटे चिराग पासवान के विरोध में उनके चाचा और अन्य सदस्य लोगों ने एक नया दल बना लिया लोकसभा के अंदर में, अध्यक्ष ने मान्यता दे दी, और उस दल से अभी वो मंत्री भी पशुपति पारस मंत्री भी बन गया। तो खैर, हम लोगों को मंत्री मंत्री बनने कोई शौक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पार्टी चल रही है वो गलत तरीके से चल रही है और उसमें संदेश भी गलत जा रहा है। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि निर्वाचन आयोग से बात की जाए। उन्होंने कहा, निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट रूप से जो उसमें जो फॉर्मेलिटी है, उन्होंने कहा कि आप अध्यक्ष के पास जाइए और विधानसभा अध्यक्ष से आप इसमें अपने लिए राय मांगिए। विधानसभा का सत्र ही तो आहूत हो गया है, 26 तारीख से सत्र है, सत्र के बीच में मैं और प्रमोद शर्मा जी हम लोग विधानसभा अध्यक्ष से निवेदन करेंगे कि चूंकि अब मत, लेकिन जिस तरीके से पार्टी चल रही है वो गलत तरीके से चल रही है और उसमें संदेश भी गलत जा रहा है। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि निर्वाचन आयोग से बात की जाए। उन्होंने कहा, निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट रूप से जो उसमें जो फॉर्मेलिटी है, उन्होंने कहा कि आप अध्यक्ष के पास जाइए और विधानसभा अध्यक्ष से आप इसमें अपने लिए राय मांगिए। विधानसभा का सत्र ही तो आहूत हो गया है, 26 तारीख से सत्र है, सत्र के बीच में मैं और प्रमोद शर्मा जी हम लोग विधानसभा अध्यक्ष से निवेदन करेंगे कि चूंकि अब मतभिन्नता हो गई है और विचारधारा से पार्टी भटक गई है, और चूंकि दो विधायक उधर हैं, दो विधायक हम हैं, तो हम लोग विखंडन चाहते हैं, बंटवारा चाहते हैं कि हमको विखंडन करके एक अलग दल के रूप में मान्यता दें। और ये हमारी एक मतलब हमारी बात है जो संवैधानिक रूप से हम अध्यक्ष के सामने रखेंगे। यदि अध्यक्ष का उचित प्रतीत होगा, नियमों के अंदर होगा, तो अध्यक्ष हमें अनेक दल अलग दल की मान्यता दे देंगे और पार्टी का विखंडन सदन के अंदर में हो जाएगा। उसके बाद फिर जो आगे की रणनीति है, जो भी कार्यक्रम है, वो हम संवैधानिक के दायरे में आके उसको आगे करेंगे। पार्टी का नाम आपने ऐसा कुछ सोच रखा है नहीं? तो नहीं सामने खुल के आ रही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रमोद भाई से लोगों ने कुछ मीडिया के साथियों ने पूछा कि ये नाम रख दीजिए, तो प्रमोद भाई ने कहा वो तय करेंगे, पर उसमें से कुछ मीडिया के साथियों ने नाम चला दिया और ऐसा कुछ होगा भी सामने जो आ रही है, जनता कांग्रेस दल जो है इस स्टेप तो पर, जो कुछ होगा उसको बाद में तय करेंगे, अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है।